दिल्ली में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्रालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, डीजीएमओ रॉ के प्रमुख, आईबी के अधिकारी और पीएमओ के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। धौरी आतंकी हमले को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी और अब अपडेट यह है कि यह बैठक खत्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आगे के स्टेप्स पर चर्चा की गई इस बैठक में कि किस तरीके से पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। तो इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, आर्मी चीफ दलबीर सिंह के अलावा तमाम बड़े आला अधिकारी मौजूद थे। और इस वक्त दिल्ली से हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अपडेट क्या कुछ है आपके पास? बैठक खत्म हो चुकी है? जी बिल्कुल दिव्या, बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में रणनीति बनाई गई है कि अब किस तरीके से जवाब देना है। जो सेना के कैंप पर हमला हुआ है, सब तरफ से सब ये बात उठ रही है कि अब भारत को कड़ा जवाब देना चाहिए। अब ये बात तय है कि जो आतंकी थे ये कहाँ से आए थे, क्या और कहाँ से इनके पास हथियार आए थे और इसके पीछे पूरी तरह से पाकिस्तान का संरक्षण था। और इसके अलावा मीटिंग में ये भी निर्णय लिया गया कि अब जो कश्मीर में लगातार जो शांति बहाली के प्रयास थे वो फेल हो गए, उसके बाद सरकार को अब किस तरीके से वहां पर अपना एजेंडा कायम करना है और पूरी तरह से शांति कायम रखनी है। हालांकि जो अब रणनीति बनाई गई है हाई लेवल मीटिंग में, इसके बाद अब लोग ये लोग प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री को पूरी की पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे, बाद में प्रधानमंत्री उस एक्शन प्लान पर अपनी मोहर लगाएंगे। सेना की रणनीति और जो गृह मंत्रालय की रणनीति होती है वो ओपन तो होती नहीं है, लेकिन इतना तय है, हमारे सोर्स बता रहे हैं कि रणनीति बेहद ठोस बनाई गई है और जवाबी जो कार्रवाई है वो आने वाले 24 घंटों में भारत की तरफ से हो सकती है। जी चलिए, शुक्रिया आपका अनुराग इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि रणनीति तैयार कर ली गई है और माना जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर कोई कड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया जा सकता है। यह हाई लेवल मीटिंग हुई थी और इसके बाद जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो पीएम के सामने रखी जाएगी और उसके बाद कोई कड़ा एक्शन उठाया जाएगा। उरी में आतंकी हमले पर पाकिस्तान फिर बेनकाब हुआ है, लेकिन वो उल्टे भारत से सबूत मांग रहा है। अपनी गलती कबूलने की बजाय पाकिस्तान धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने परमाणु हमले की धमकी दी है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर हमारे अस्तित्व पर खतरा हुआ तो हम परमाणु हमले से गुरेज नहीं करेंगे। उनसे डरने वाले ये सुने, किसी के अजायम जो है वो हमारी सालमियत के मुताबिक जो है के मुतल्लिक जो है वो खतरनाक हुए तो हम गुरेज नहीं करेंगे अपनी दफा के लिए उन वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। पाक पर क्यों नहीं लगती पाबंदी? हमारी अगर दफा खतरे में हुई, हमारा बका खतरे में हुई, तो फिर तो जो चाहो लगा दो, डर कैसा? पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की खुली धमकी, जब बाजी इसकी बाजी है जो चाहो लगा दो, डर कैसा? ऐसे लेगा पाक एनएसजी की मेंबरशिप। जिस रात पाकिस्तानी आतंकवादी भारत की सीमा में दाखिल होकर हमारे जवानों पर हमले की साजिश को अंजाम दे रहे थे, उसी रात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नेशनल टेलीविजन पर भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे। अल्लाह का फजल है, इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, हमें बढ़तरी हासिल है और अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ, हमारी सरजमीन के ऊपर किसी ने कदम रखा और किसी के अजायम जो हैं वो हमारी सालमियत के मुताबिक जो है के मुतल्लिक जो है वो ख़तरनाक हुए तो हम गुरेज नहीं करेंगे अपनी दफा के लिए उन वेपन्स का इस्तेमाल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के पास बहुत से एटमी हथियार हैं और अपने वजूद पर खतरा हुआ तो वो इन हथियारों का इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं करेगा, भले ही हमला हिंदुस्तान से जंग के दौरान क्यों न करना पड़े। अगर हिंदुस्तान से जंग हुई तो हम एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये तो सिचुएशन पे, लेकिन हमारी अगर दफा खतरे में हुई, हमारा बका खतरे में हुई, तो फिर तो जो चाहो लगा दो, डर कैसा? पाकिस्तान के सियासी गलियारे में एटमी हथियारों को लेकर हमेशा से ही कुछ ज्यादा ही गर्मी रही है। जब सरकार को अपनी जनता के बीच साख बनानी होती है तो वो एटमी हथियारों का शिगुफा छोड़ देते हैं या फिर सियासत की मूल धारा में आने के लिए भी एटमी हथियारों से जुड़े बयान दिए जाते हैं।
लेकिन मसला यह है कि नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह की एटमी धमकियां अमेरिका यूनाइटेड नेशन तक ले जाता है, लेकिन पाकिस्तान में एटम बम की धमकी देने वाले ऐसे तमाम सनकी मौजूद हैं, फिर भी उसे सैन्य सहायता के तोहफे क्यों दिए जाते हैं? फिदायिन बन चुके पाकिस्तान पर लगाम लगाने की तैयारी क्यों नहीं की जाती? इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ क्यों है? हम आपको बताते हैं। दरअसल बलूचिस्तान के लोग जिस तरह से पीएम मोदी से मदद मांग रहे हैं, उससे पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान और भारत के बीच हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ रहे हैं। 18 सितंबर को तड़के ही पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने जिस तरह उरी सेक्टर के मिलिट्री कैंप को निशाना बनाकर हमला किया, उससे तो ये साफ है कि पाक कश्मीर के बहाने इस दुश्मनी को और बढ़ाना चाहता है। जब से बलूचिस्तान के मुद्दे को भारत ने उठाया है, तब से पाकिस्तान और बौखलाया हुआ है। यूं तो पाकिस्तान से कभी भी भारत के लिए अच्छे होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन फिलहाल बलूचिस्तान का मामला उसे तड़पा देने के लिए काफी है। मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से बलूचिस्तान का नाम नहीं लेते तो आप क्या समझते हैं कि आपको वो गुलदस्ते देता या आपको वो तोहफे देता? पाकिस्तान हमेशा आपके खिलाफ काम करेगा, भारत के खिलाफ काम करेगा, भारत को डिस्टेबलाइज करेगा, कश्मीर में आतंकवाद फैलाएगा, आप चाहे बलूचिस्तान का नाम लें या न लें। इस हमले ने भारतीय सेना के 17 जवानों की शहादत ले ली। ऐसे में भारत का काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन इससे भारत की बलूचिस्तान को लेकर पॉलिसी पर असर पड़ने की संभावना कम है। यह हमला भी ऐसे वक्त में किया गया जब कुछ ही दिनों में यूनाइटेड नेशंस की महासभा होने वाली है और वहां भारत बलूचिस्तान के मुद्दे को आवाज देने वाला है। उससे पहले पाकिस्तान की ओर से किया गया हमला उसके खौफ को दिखाता है। वो भारत को ऐसे हमलों से भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत को बलूच लीडर्स का पूरा समर्थन मिल रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने ध्यान को मामूली इन एक्टिविटी से कभी भी डाइवर्ट नहीं करेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये रेजोल्यूशन है और उन्होंने बलूचिस्तान की बात उठाई है, वो हमेशा उठाते रहेंगे और बलूचिस्तान को जो भी मदद है भारत को देना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि बलूचिस्तान की सरकार एग्जाइल में अब समय आ गया है कि हमारा देश भारतवर्ष उनको अपनी एग्जाइल की सरकार इंडिया में बनाने की परमिशन दे दे, जैसे बांग्लादेश की सरकार बनी थी अप्रैल 1971 में और आज भी धर्मशाला में दलाई लामा की सरकार है। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कश्मीर पर रटा रटाया भाषण लेकर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जिस तरह की बयानबाजी होती रही है वो बताती है कि नवाज शरीफ महज कठपुतली है। वो कितनी भी कोशिश करें, आखिरकार देश की पॉलिसी आर्मी चीफ राहिल शरीफ ही तय करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ क्या करते हैं पाकिस्तान में, इसका हमें कुछ पता नहीं, पूरे देश को पता नहीं, वहाँ की आवाम को पता नहीं। वहाँ पर सब काम जो उनके आर्मी के चीफ हैं जनरल राहिल शरीफ और उनकी जो पाली हुई आईएसआई है, जो कि आतंकवाद की मदरशिप है, वो लोग करते हैं और नवाज शरीफ वही करते हैं जो कि राहिल शरीफ कहते हैं। वैसे भी पाक में पॉलिसी राहिल शरीफ बनाते हैं और उसका एग्जीक्यूशन आतंक तंत्र यानी हाफिज सईद करता है। पाकिस्तान का नीति निर्धारक हाफिज सईद तो है ही, क्योंकि हाफिज सईद जितनी भी एक्टिविटीज़ इंडिया के खिलाफ होती हैं वो कहीं ना कहीं उसमें एक प्लानिंग स्टेज में, एग्जीक्यूशन स्टेज में, फॉलो अप स्टेज में कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट रहता है और उसकी काफ़ी पकड़ है पाकिस्तान के आर्मी में, ख़ास तौर से आईएसआई में, जिनका वो स्ट्रेटजिक एसेट है। पाकिस्तान की ओर से किया गया ये अब तक का चौथा सबसे बड़ा हमला है जिसमें भारत को इतनी कैजुअल्टी का सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है ये हमला भी पाकिस्तान के उस पत्थरबाज ब्रिगेड की मदद से किया गया जो पाकिस्तान के झंडे लेकर घूमती है। ऐसे में पाकिस्तान का इलाज बातों से होना तो नामुमकिन हो चुका है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7।